नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडियन आर्मी के बारे में, मतलब इंडियन आर्मी से जुड़े हुए जॉब के बारे में। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इंडियन आर्मी का जो जो मल्टी पोस्ट है वो कब आएगा। तो उसका जॉब का नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो वो जॉब अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कब अब अप्लाई कर पाएंगे, मतलब कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, उसका लिंक भी मतलब डिटेल्स भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब के इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। मैं पर डे 1 से 2 वीडियो और कभी कभी 3 वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो आप सभी जानते हैं इंडियन आर्मी से जो टोटली जॉब आया है वो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से ही आपको जॉब मिलेगा। और आप देखेंगे तो, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत दे दिया, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी ही होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसीज है वो 3038, तो 3038 जो टोटल वैकेंसीज है उनमें से कौन सा पोस्ट है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फायरमैन, जिसमें 626 पोस्ट है। यहाँ पे देखिए ट्रेड्समैन, जो जो देखिए मेटा ट्रेड्समैन है उसके लिए 2313 पोस्ट है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 99 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो होगा वो जनरल के 21 से 40 ईयर्स तक, ओबीसी के लिए 18 से 43 तक, और SC ST के लिए 21 से 43 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन SSB, यहाँ पे देखिए इंटरव्यू प्लस मेडिकल एग्जाम। तो SSB इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के माध्यम से आप सिलेक्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी पैकेज जो रहेगा वो ट्रेड्समैन के लिए आपको 18,000 से आपको 56,900 तक सैलरी मिलेगा। फायरमैन के लिए आपको, जूनियर ऑफिसर के लिए आपको 19,900 से 63,200 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है। एप्लीकेशन का जो फीस है वो कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। SC ST के लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं है, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में बात करूँ, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, तो 10th स्टैंडर्ड ITI आप कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जरूर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ITI मतलब 10th स्टैंडर्ड ITI कैटेगरीज, और साथ ही साथ आप ग्रेजुएट कैटेगरीज भी यहाँ पे अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात करूँ, तो नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में क्लिक करना, अप्लाई बटन में क्लिक करना, दोनों अलग अलग लिंक मिल जाएगा। और किस किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको दिया गया है, और आपको अप्लाई करना होगा 20 सितंबर से पहले। तो अप्लाई का प्रोसीजर क्या है, तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा, और सॉरी इस पेज ओपन हो जाएगा। अप्लाई बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो कोड है इस कोड को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, उसके बाद एंटर करिए, तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया एक जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।